आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नामित किए गए राहुल गांधी। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा 15 भाषाओं में होगी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। हरियाणा पुलिस ने नू हिंसा के मामले में मंगलवार को बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों ने लहराई थी तलवारें और त्रिशूल। पाकिस्तान में चर्च पर हमला, भारी तोड़फोड़ करने के बाद आग लगाई। पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जरनावाला तहसील में कट्टरपंथियों ने चर्च पर हमला कर दिया। फ्रांस में विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि। मुंबई में मामूली बात पर एसटी कंडक्टर के साथ दंपति ने की मारपीट। ट्रेन में सफर कर रहे कंडक्टर की रेलवे ट्रैक पर गिरने से गई जान, आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। कल्याण पूर्व के तीसगांव इलाके में बुधवार शाम ट्यूशन से घर लौट रही 11 साल की नाबालिग लड़की की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई, 20 साल का आरोपी युवक गिरफ्तार। अहमदनगर जिले के कातरड़ में मंगलवार रात दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब एक पति ने सिर पर लोहे की रॉड मारकर पत्नी और सास की हत्या कर दी। पत्नी और सास की हत्या कर फरार हुए आरोपी का शव बुधवार को धंगरवाड़ी में मिला। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने की नवाब मलिक से मुलाकात। अजीत पवार के साथ मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ ने नवाब मलिक के घर जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी की जमकर खिंचाई की। शरद पवार ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में जो भी हो रहा है वो बीजेपी और पीएम की विचारधारा के कारण है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।